Assalamu alaikum. This video demonstration for the students of King's International College. So basically they came to know that how to install Zoom software on their laptop. तो करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने Google Chrome पे जाना है और वहाँ पर जाके लिखना है Zoom for PC, क्योंकि आप PC के लिए उसको डाउनलोड करना चाहते हो. उसके बाद पहला लिंक आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, उस पर जाएंगे हम लोग. जैसे ही इस लिंक पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी. जैसे मेरा डाउनलोड हो चुका है, और अगर ना हो तो फिर आपने रीस्टार्ट द डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है तो दोबारा वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है मैं इसको रन करता हूँ. तो मैं डबल क्लिक करूँगा, इसको रन पर क्लिक करूँगा. अब हम वेट करेंगे जब तक इनिशियलाइज का सेक्शन पूरा होता है. और ये इनिशियलाइज का सेक्शन पूरा हो गया. जैसे ही इनिशियलाइज का सेक्शन पूरा होगा आपको यहाँ पर आइकन नज़र आएगा और साथ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा जूम. अब जब भी आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, यानी वो ग्रुप जो एक्सपर्ट्स वाले बनाएंगे, आप लोगों को एक मीटिंग आईडी देंगे और साथ पासवर्ड देंगे. अब आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अब आपने अपना सिस्टम ऑन किया, सबसे पहले स्टार्ट पे जाओगे जो सी मर्जी विंडोज़ हो और लिखोगे जूम. अब चूंकि जूम इंस्टॉल हो चुका है तो स्टार्ट जूम पे आप क्लिक करोगे. स्टार्ट जूम पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है ज्वाइन अ मीटिंग के ऊपर. आपको अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है साइन इन पे, आप ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करोगे. उसके बाद सबसे पहला काम, आप यहाँ पर मीटिंग आईडी लिखोगे जो आप लोगों को एक्सपर्ट्स वाले सेंड करेंगे उनके व्हाट्सएप नंबर पे, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे. याद रखिएगा अपना पूरा नाम लिखिएगा ताकि जब आपकी अटेंडेंस लगाई जाए वहाँ पर तो आपका नाम आराम से मेंशन हो सके. अभी मेरे पास यहाँ पर यूजर नेम या पासवर्ड नहीं है, तो जब आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि पासवर्ड क्या, इसका पासवर्ड क्या है. पासवर्ड देने के बाद जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर एक दो मिनट के लिए प्रोसेसिंग में जाएगा, और उसके बाद एक बड़ी वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप लोगों को क्लास के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके नाम और वो उनकी आवाज आपको यानी फील हो रही होगी. नंबर दो चीज ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो जहां पर मेरा माउस है इस वक्त इस एरिया पे, यहां पर आपको दो बटन्स नजर आएंगे, एक माइक्रोफोन का होगा एक वीडियो का होगा. अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो विंडोज के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर कैमरा उससे वीडियो ऑन हो जाएगी, और अगर जब आपने बात करनी होगी तो यहाँ पर जो माइक बना होगा यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसको वहाँ से आप अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं. अगर आप अनम्यूट करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो सब पार्टिसिपेंट्स को सुनाई देगा, अदरवाइज वो नहीं सुनाई देगा. और जो मेन आपके जो यानी जिसने मीटिंग अरेंज की होगी उस बंदे की जो स्क्रीन होगी वो आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन में नजर आएगी. आई होप सो आप इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हो. अगर आपको किसी चीज़ में मसला हुआ तो बराए मेहरबानी मुझे प्याज़ा या ईमेल पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. शुक्रिया बहुत बहुत. अल्लाह हाफिज़.